कि सरकार इतना बड़ा लफड़ेबाज सरकार है ये, और ये बेशरम सरकार है कि इसको जरा तक भी शर्म नहीं आती है कि सिर्फ लॉकडाउन 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 को किए जा तरह का वो चेतावनी है सरकार के लिए कि आप अविलंब इन मांगों को पूरा करो, अगर पूरा नहीं करोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से जनता की जान जा रही है, जिस तरह से जनता संकट में है, कष्ट में है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत होगा मजबूरन हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। के प्रतिनिधि ये नहीं कहते हैं कि मनरेगा में मजदूरी क्या मिलेगी। मनरेगा की मजदूरी 194 रुपया प्रति दिन बिहार में है। इस कोरोना महामारी के दौर में राज्य और देश की सरकार के चरित्र को पूरी तरह से उजागर कर दिया है और यह जाहिर किया है कि हमारी सरकारों को जनता का कोई फिक्र नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बुरे हाल में है, पूरी तरह से असक्षम है लोगों के इलाज करने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देखे किस तरह से बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, किस बहुत सारे लोगों को बेड नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, ये सारी अव्यवस्था वो बनी हुई रही, लोग जूझते रहे और लाखों जान इस देश के अंदर में गई है, उसके लिए जिम्मेवार देश की सरकार है। लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती रही कि इन व्यवस्थाओं का, इन सुविधाओं का विलंब पालन करो, इनको वो पूरा करो, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी जब ज़रूरत है कि देश के हर एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो, सबको उनको वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन ये काम भी नहीं हो रहा है, बंद हो जाता है। जितने वैक्सीनेशन चाहिए वो उतने आ नहीं रही हैं, मिल नहीं रहा है और लोग वाहवाही में लगे हुए हैं। तो एक तो यही सब मांग है कि भाई वैक्सीनेशन सभी को किया जाए, तमाम जो कर से मुक्त जो लोग हैं उनको, उनके परिवार को 7,500 रुपया मासिक वो सहयोग दिया जाए, हर परिवार को, हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाए। इस महामारी के पीरियड में जब भयंकर बेरोजगारी है, बेकारी है, तो वो अनाज दिया जाए, और जो विभिन्न तरह का लूट मचा हुआ है इस कोरोना महामारी के नाम पर, उस लूट पर अविलंब रोक लगाया जाए। आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ निजी अस्पतालों का लूट वो सामने आता है, तो भाई आप, ये आपदा का वक्त है, इस आपदा के वक्त में क्यों नहीं निजी अस्पतालों का वो अधिग्रहण कर रहे हैं, उनका सरकारीकरण कर रहे हैं अभी आप, और टेक ओवर कीजिए और लोगों का इलाज कीजिए कि लोगों की सुरक्षा हो सके, हर तरह का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो ऐसे स्पष्ट मांग है, स्पष्ट मांग है कि जो पंचायत का जो चुनाव होना था वो 6 महीना के लिए और उसको आगे बढ़ाया जाए कि जिससे पंचायत का जो काम करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो और जनप्रतिनिधि वो काम कर सके, पंचायतों का देखरेख, सुरक्षा। तो ऐसे इन मांगों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज पूरे बिहार में शाखा से लेकर के अंचल, जिला और राज्य लेवल पर हर जगह आज प्रदर्शन हो रहा है, धरने हो रहे हैं, और ये तमाम कार्रवाइयाँ लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हो रहा है, सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए, मास्क लगा करके, तमाम चीज़ों का पालन करते हुए साथी पूरे राज्य के अंदर में कर रहे हैं। और ये आंदोलन एक तरह का वो चेतावनी है सरकार के लिए कि आप अविलंब इन मांगों को पूरा करो, अगर पूरा नहीं करोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से जनता की जान जा रही है, जिस तरह से जनता संकट में है, कष्ट में है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत होगा मजबूरन हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो उतरने को हम बाध्य होंगे, इसलिए अविलंब इन मांगों को पूरा किया जाए, इन्हीं मांगों को लेकर के पार्टी का धरना। बीच पप्पू यादव जो लगातार काम कर रहे थे समाज के लिए, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हाल तो यही है बना हुआ, जो लोग पर्दा उठा रहा है इनकी कारगुजारियों से, इनकी बदहालियों से, तो उनको वो सजा दे रहे हैं, उनको जेलों के अंदर में डाल रहे हैं, उनको छिपाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनका वो निंदा किया है उस कार्रवाई का, और उनको वो मुक्त किया जाना चाहिए, सरकार अविलंब मुक्त करे, हमारी ऐसी मांग है। उसके अलावा और आज भी देखिए इलाहाबाद या तमाम जगहों पर जो नदी किनारे जो सब वो परे मिले हैं और जो दफनाया गया है सबों को, सरकार उससे कि बदनामी ना हो उस पर जो कपड़े परे हुए हैं, जो चुनरी परा हुआ है, रामनवमी जो उस पर चादर परा हुआ है, उस चादर को सरकार नोचवा रही है, हटवा रही है कि अखबार में छप रहा है, टीवी में जा रहा है, लोग पहचान रहे हैं कि कितने सब गंगा किनारे वो दफन हैं, तो इसलिए वो जाए नहीं दुनिया के अंदर में, इसलिए उसको छिपाने के लिए वो उस कपड़ों को भी हटा लिया जा रहा है। तो इतनी निशंस सरकार है, इतनी वो जन विरोधी सरकार है कि हर तरफ से पर्दा डालना चाहती है, हर चीज़ को छिपाना चाहती है, अपने प्रचार में लगा रहना चाहती है। तो
तो ऐसे इन तमाम चीज़ों को कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, सवालों को उठाएगी, मुद्दों को उठाएगी और हम लड़ेंगे, पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। आज का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद की ओर से आज पूरे राज्य में के सभी जिला मुख्यालयों प्रखंडों पर ये धरने का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकारों की जो इलाज के क्रम में अराजकता पैदा हुई है, अव्यवस्था पैदा हुई है, उसको हम सरकार से दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। चाहे वो दवा हो, बिस्तर हो, इंसेंटिव केयर यूनिट हो, टीकाकरण हो, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्थित ढंग से राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको काम को करे, ये हमारी मांग है। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर आए हैं बिहार में, उनको भोजन के साथ साथ उनके अनाज प्रति व्यक्ति 10 किलो उनको मुहैया कराया जाए, ये मांग है। उनको 7,500 रुपये राहत के रूप में अनुदान दिया जाए और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो पंचायत है जिसका कोरोना के चलते चुनाव नहीं हुआ है, उस अवधि को 6 महीने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को और बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, ताकि वो लोग चुनाव तक रह सके। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इस दौरान में मूल्य वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक तो दवाइयाँ अनुपलब्ध है, कीमत बहुत ज़्यादा है और साथ साथ पेट्रोल और दूसरे चीज़ों की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ रही है। कहा जाता है कि 1,00,000 रोज़गार का सृजन हुआ मनरेगा में, मगर ये कभी कोई मीडिया, कोई अखबार या सरकार के प्रतिनिधि ये नहीं कहते हैं कि मनरेगा में मजदूरी क्या मिलेगी। मनरेगा की मजदूरी 194 रुपया प्रति दिन बिहार में है, जो भारत में सबसे कम है। 194 रुपया कहीं नहीं मिलता है, सब जगह 200-250 मिलता है, मगर बिहार में मनरेगा की मजदूरी 194 रुपया है। इसको भी बढ़ानी चाहिए और वो एक ऐसा वेतन मिलना चाहिए जिससे उनका परिवार चल सके। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग कॉमरेड राम नरेश पांडे जी के नेतृत्व में, जो हमारे राज्य सचिव हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पटना में धरना दे रहे हैं और ये धरना से हम लोग सरकार को अपनी मांगे रख रहे हैं और प्रतिरोध भी कर रहे हैं। मेरा नाम गजनफर नवाब है, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं। धन्यवाद। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बिहार राज्य परिषद की ओर से जो धरना की कार्यक्रम अजय भवन में रखी गई है, उसका मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग आज इस धरना में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सरकार इतना बड़ा लफड़ेबाज सरकार है ये, और ये बेशरम सरकार है कि इसको जरा तक भी शर्म नहीं आती है कि सिर्फ लॉकडाउन 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 को किए जा रहा है, लेकिन जनता की समस्याओं के प्रति सिर्फ अखबारों में, गोदी मीडिया में, जिसको ये सब खरीद लिया है ये सरकार, जनता की समस्याओं की उजागर नहीं होती है। आज जनता, आवाम,
त्राही त्राही है, राशन कार्ड नहीं है, लॉकडाउन में पैसा नहीं है। उसके बाद सिर्फ तानाशाही के हिसाब से जितने भी पुलिस के प्रशासन के लोग हैं गरीब को, गुरबा को, ठेला वाले को डंडा मारते हैं, उस पर अपनी गुस्सा का इजहार करते हैं, और ये बेशरम सरकार इतना बड़ा लफाज बतियाती है कि अगर ये चाहती तो सारी समस्याओं की समाधान होती। आज कोरोना ऐसे ही वापस नहीं आ गई, ये बेशरम सरकार को 2020 का सोच बनाना चाहिए था, और ये 2021 में इलेक्शन जीतने के लिए पूरी यहाँ सरकार की काफिला एनडीए सरकार बंगाल में गई और वहाँ जा करके बिहार की जनता को छोड़ दी। आज बिहार की जनता बेबस है, किसी तरह से अपने ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको कोई भी सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिल रही है। सिर्फ लफाजी की बात सरकार सुबह से शाम तक समाचार पत्रों में चल करती है। बिहार के चैनल भी बिक गए हैं। जानती है बिहार की चैनल कि वामपंथी मोर्चा यहाँ मजबूत है। जो भी बिहार का चैनल है उसमें जितने भी दलाल लोग हैं उनको बैठा करके डिस्कशन करता है और लेफ्ट यूनिटी को नहीं निमंत्रण देता है। क्या बिहार के अंदर CPI नहीं है? क्या बिहार के अंदर CPM नहीं है? क्या बिहार के अंदर माले नहीं है? ये सब चैनल जो है, ये भी चैनल अपनी लोकतंत्र को तानाशाह के रूप में लाने के लिए भटक रही है। आज जनता को चाहिए राशन, कहाँ राशन है, कहीं नहीं देख रहे हैं। हमारे राज्य के हमारे नेता लोगों ने कहा आर्थिक मदद, कहाँ आर्थिक मदद है? इतना भी हर जगह चरमरा गई है, शिक्षा संस्थान चला चरमरा गई है, बच्चे लोग 2 साल से अपने मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं, डॉक्टरी पेशा कॉमर्शलाइज हो गई है, लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। आप समाचार पत्रों से, अखबारों से मिलता होगा कि ऑक्सीजन नहीं है। आज सरकार की नींद खुली है और सरकार के जितने भी उसके किरदार हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब चरमरा गए हैं। हालात इतनी बद से बदतर है कि बेबसी की आलम है। लोग अपनी दुख को इजहार नहीं करते हैं। कोरोना से मरीज मर रहे हैं, बुद्धिजीवी मर रहे हैं, डॉक्टर मर रहे हैं, लेकिन ये सरकार चुपचाप से अखबारों के माध्यम से और TV के माध्यमों से लफाजी करती है। बेशरम सरकार को इस्तीफा देना चाहिए था, हट जाना चाहिए था गद्दी से, लेकिन ये इतने लोग बेशरम हैं कि सब भीतर से बिके हुए हैं, विकास की बात करते हैं क्योंकि उनमें कमीशन मिलता है इनको, है ना, तरक्की की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इंसान की इंसानियत को भूल के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करते हैं। इसलिए मैं पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष की हैसियत से अपने हमारे जन संगठन में भी बहुत सारे लोग इस दुनिया से विदा हो गए जिन्होंने कोरोना में कोई इंतजाम नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, अस्पतालों में जगह नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में लूटपाट है। ये हालात इस स्थिति से गुजर रहे हैं, लगता है कि क्यामत क्यामत जो है इस धरती पर आ गई है, और सरकार इत्मीनान से सोई। इसलिए इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और कम से कम तरक्की पसंद लोगों के साथ मिलकर करके राय और मशवरा करना चाहिए ताकि जनता की हितों की रक्षा हो सके। और जब तक हम लोग रहेंगे हम अपनी जनता को, गरीब जनता को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर।